अगर आप हमारे चैनल तक पहुंच ही गए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप हमारी वीडियो को देखकर उसका फ़ायदा उठा सके। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि मैं जो सेटअप यूज करता हूँ वो कैसा है। बहुत सारे लोग नीचे कमेंट करते हैं कि भाई आपके पास कौन कौन सा इक्विपमेंट है या आप कौन सा सेटअप आपका कैसा है, मतलब आप कैसे वीडियोस बनाते हैं। तो आज मैं आपको सेटअप दिखाने वाला हूँ। यूट्यूब में मैंने सोचा यार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने थंबनेल पे लिखते हैं कि ये गरीब का सेटअप है या ये बहुत ही कम पैसे में बना हुआ सेटअप है। तो आज मैं आपको अपना सेटअप दिखा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ यार क्या पता यही वीडियो देखकर लोग मेरे चैनल को देखना स्टार्ट कर दें या मेरे चैनल को एक बूस्टअप मिल जाए। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरा सेटअप कैसा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को कंटिन्यू ज़रूर वॉच करते रहिएगा। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही कम पैसे में मैंने अपना ये सेटअप तैयार किया हुआ है। पीछे आप देख सकते हैं ये वॉल है जो कि आपको आपके घर में फ्री में मिल जाता है, मतलब ये आपको कहीं से खरीदना नहीं पड़ेगा। ये सबके घरों में दीवाल होता है, ठीक है। और साथ में एक मोबाइल फ़ोन मैं यूज करता हूँ और वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ वीवो का फ़ोन। और ये मेरा एक रेडमी का फ़ोन है एमआई का, जो कि जिसका स्क्रीन डैमेज हो चुका है और इसका स्क्रीन मुझे मतलब बनवाना है अभी। सो जिस दिन ये बन जाएगा ये मेरी मोबाइल फ़ोन में मेरे यूट्यूब वीडियोस में इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने सेटअप की ओर और कैसे ग्रीन स्क्रीन भी अगर आप यूज करना चाहते हैं तो वो ग्रीन स्क्रीन भी कैसे आप यूज करेंगे, मैं आपको पूरा अपना सेटअप दिखा रहा हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, चलिए चलते हैं आगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मेरे पास दो ट्राइपॉड हैं। एक ट्राइपॉड ये है मेरा जिसमें कि आप देखिए ये मोबाइल फ़ोन लगा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एक एमआई का फ़ोन है जो कि डैमेज हो चुका है, इसकी स्क्रीन ख़राब हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल सेट करने के लिए लगा दिया है कि यहाँ पे मैं अपना मोबाइल फ़ोन यूज करता हूँ और मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं अपनी सेल्फ़ी कैमरा से बनाता हूँ क्योंकि मेरा जो वीवो का कैमरा है उसमें सेल्फ़ी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आ जाता है, ठीक है। तो ये मेरा ट्राइपॉड है जो कि मैंने 400 रुपये में अमेजन से बाय किया था और इसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से खरीद सकते हैं। तो ये ट्राइपॉड मैंने तब बाय किया था, उससे पहले मैंने ये ट्राइपॉड, ये ब्लैक वाला जो आप ट्राइपॉड देख रहे हैं जिसमें कि मैंने कुछ जुगाड़ लगा के इसमें मैंने बल्ब फिट किया हुआ है, ये देखिए इसमें मैंने बल्ब फिट किया हुआ है। अगर मैं इसको कनेक्शन देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको देखिए कनेक्शन देता हूँ तो ये देखिए ये पूरा का पूरा एकदम लाइट ऑन हो जाता है, ठीक है। तो रिसेंटली मैं इसको अभी बंद करता हूँ। बहुत ही सिंपल सा मेरा सेटअप है क्योंकि मैंने ज़्यादा पैसे खर्च नहीं किए हैं और वो है भी नहीं खर्च करने के लिए। तो एक ट्राइपॉड जो मेरा पुराना वाला था, जब मेरे पास केवल एक ट्राइपॉड था पुराना वाला, तो उस पर मैं मोबाइल फ़ोन यूज करता था और ये जो बल्ब है इसके लिए मैंने बहुत सारे तिकड़म लगाए हुए थे। जैसे पीवीसी पाइप आपने देखी होगी तो उस पीवीसी पाइप पे मैंने इस बल्ब को सेट किया, बहुत सारे तरीके अपनाए, कहीं दीवार में चिपका के तो कहीं खिड़की पे रख के बहुत ज़्यादा मैंने दिमाग लगाया, तब जाके मेरी वीडियोस शूट होती थी। तो जब ये मुझे मैं ये पुराना हो गया था और ये टूट गया था। यहाँ से देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये बालू लगा के और फेविक्यूक लगा के चिपकाया हुआ है, ठीक है, ये देखिए। तो ये क्या ना कि जब मैंने और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होने वाला प्रकार लगा हुआ है, यानी टूल्स है ये लगा हुआ है। तो ये क्या ना कि ये ख़राब हो चुका है, इसमें जो यहाँ पे कसने वाला होता है ये नहीं है हमारे पास, मतलब कहीं ख़त्म हो गया है, टूट गया होगा। और बिल्कुल टूट गया था ये ट्राइपॉड, इसलिए मैंने ये दूसरा ट्राइपॉड बाय किया था। तो इसको मैंने इस तरह से कुछ इसको फंसाया हुआ है ताकि ये ऊपर बना रहे, नीचे ना आए, और जो ये जो लाइट जब ऑन होती है तो ये सीधे मेरे चेहरे पे फोकस करता है। और जब ये ट्राइपॉड मुझे नहीं मिल रहा था तो मैंने चेयर का इस्तेमाल किया था, यहाँ पे मैं इस बल्ब को रख देता था और वीडियो मैं यहाँ पे वॉल पे बनाता था। नीचे आप देख रहे हैं ये जो वॉल देख रहे हैं रेड कलर का, तो यहाँ पे मैं बैठ के बनाता था। तो बैठते बैठते बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है घुटनों में भी कमर में भी, इसलिए मैंने सोचा खड़ा होकर ही वीडियो बनाते हैं। पहले मैं यहीं पे वीडियो बनाया करता था, ये जो आपको ये जो सीन आप देख रहे हैं ये वाला, ये सीन आप देख रहे हैं, पहले मैं यहीं पे वीडियो बनाया करता था पहले, बहुत पहले। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ना कि मुझे लाइट की प्रॉब्लम होने लगी। मेरे पास पहले दो ट्राइपॉड नहीं था, एक ही ट्राइपॉड था, तो मुझे लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। और जब दो ट्राइपॉड हो गया तो मैंने यहीं पे वीडियो बनाना सही समझा और आगे चल के मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक नया लाइट खरीदने वाला हूँ, या मैं सोच रहा हूँ कि एक लाइट मैं खुद बना दूँ जिससे कि मुझे जो यहाँ पे आप अभी देखिए अभी शैडो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखिए शैडो मिल रहा है। तो शैडो में क्या होता है कि जब हम ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करते हैं ना तो वो ग्रीन स्क्रीन हमारा रिमूव नहीं होता है अच्छे से,
इसलिए हमें लाइट का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए, जब हमारा चैनल नया नया होता है ना, तो हमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं होता है, लेकिन जब आपका चैनल पे व्यू जाने लगते हैं, लोग आपको सपोर्ट करने लगते हैं, लोग आपसे मतलब वीडियो खुद वो सजेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो पे काम करो, आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो आपके पास एक अच्छा सेटअप होना बहुत ज़रूरी होता है। आपके पास एक ग्रीन स्क्रीन होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि मेरा जो चैनल है वो न्यूज़ का चैनल, मतलब न्यूज़ की टॉपिक पे वायरल हुआ है, तो मुझे ग्रीन स्क्रीन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए अभी तो मेरे पास ग्रीन स्क्रीन है, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि वो जो ग्रीन स्क्रीन है ना, वो ग्रीन नहीं है, वो शायद सौ जो दुकानदार है उसने मुझे ठग दिया है, वो थोड़ा सा ना ब्लू है। जब मैं काइन मास्टर में उसको रिमूव करने जाता हूँ, तो या तो मेरे जो कपड़े पहने हुए होते हैं उसको ही रिमूव कर देता है, या अच्छे तरीके से रिमूव नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको भी पता है कि ग्रीन जो स्क्रीन होता है ना, वो अच्छे तरीके से रिमूव हो जाता है। लेकिन ये जो ब्लू दे दिया है इसने, हल्का सा ब्लू है लेकिन है तो ग्रीन ही, लेकिन हल्का सा उसमें ब्लू लिए हुए, इसलिए बहुत दिक्कत होती है। और जब मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आपको ऊपर आप देख लीजिए, ये जो फ़ैन है, फ़ैन बिल्कुल बंद होता है, क्योंकि जब मैं फ़ैन स्टार्ट कर दूंगा तो आपको भी पता है कि फ़ैन की आवाज़ बहुत ज़्यादा आने लगेगी और मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी दिक्कत होने लगेगी, आपको साउंड की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी आपको नहीं मिल पाएगी। और अभी मैं सेल्फी से वीडियो बना रहा हूँ, सेल्फी से भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी मुझे मिल जाती है वीवो के फ़ोन में। ये जो आप रेडमी का फ़ोन देख रहे हैं, इसको भी मैं बहुत जल्द रिपेयर करा लूँगा, उसके बाद मैं इस रेडमी से भी वीडियो बना के ट्राई करूँगा कि इसका कैमरा कैसी है, कैसा है, क्वालिटी कैसा है। अगर अच्छा आएगा तो मैं इसी से बनाऊँगा। मैंने ये देखिए, एक यूट्यूबर को दो मोबाइल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, और वो इसलिए पड़ती है क्योंकि कई बार आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग शो करना पड़ता है कि इस यूट्यूब में आपको यहाँ पे जाना है, या कोई टूल्स दिखाना है, कोई वीडियो एडिटिंग दिखानी है, तो आपके पास एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास एक ही मोबाइल फ़ोन होता है, तो उससे आप शूट करते हैं, फिर बाद में स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको मैच करने में काफ़ी दिक्कत आने लगती है। तो यहाँ पे मेरा जो सेटअप है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये देखिए, एक ट्राइपोड है और एक ट्राइपोड पे यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और बहुत ही सिंपल सा मेरा सेटअप है। और एक वीडियो बनाने में यार दिन भर का समय निकल जाता है, पहले उसके बारे में सोचो, फिर उसके बारे में स्क्रिप्ट लिखो। और मैं आपको अभी अगर दिखा दूँ, यहाँ पे अभी मैंने जो स्क्रिप्ट अभी मैंने लिखा है, तालिबान के ऊपर मैं वीडियो बनाने की सोच रहा था। कई लोगों ने कहा कि तालिबान के ऊपर वीडियो बनाइए, आपका न्यूज़ का चैनल है, काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग कर जाएगा। तो मैंने भी सोचा कि चलिए तालिबान के ऊपर वीडियो बना देता हूँ। आप देख लीजिए, तालिबान के ऊपर मैंने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट अभी तैयार की है, और इस स्क्रिप्ट को मैं बहुत ही जल्द कल या परसों वीडियो में आपको मिल जाएगा, कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान और वहाँ पे बने नए तालिबानी सरकार के बारे में। खबर में तो तालिबान के बारे में बहुत कुछ कहा और सुना जा रहा है, लेकिन हम जानेंगे तालिबान के जन्म से लेकर आज तक का इतिहास। तो इसमें मैंने 8 न्यूज़ कवर किया हुआ है, जो कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो कि अभी तालिबान से रिलेटेड चल रहा है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये ओलंपिक की न्यूज़ कवर कर ली है, जो कि अभी इंडिया में एक स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा जीत के लाए हैं, और 2 सिल्वर पदक मीराबाई चानू लेके आई हैं। तो और यहाँ पे इसका इतिहास है। अब बात करते हैं तालिबान के इतिहास की। आज जिस तालिबान को अफगानिस्तान में सत्ता बनाते देख रहे हैं, उनके इतिहास की कहानी आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। तो ऐसा एक इतिहास था इसका, और यहाँ पे पूरा का पूरा मेरी जो स्क्रिप्ट है वो तैयार हो चुकी है, और ये फाइनल हो चुका है स्क्रिप्ट। छात्र आंदोलन में उठी ये चिंगारी आज परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक हो गया है। तालिबान से जुड़े और कई बातें हैं जो आपको बतानी है, लेकिन फिर कभी और वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो ये मेरी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट है, और मैं ऐसा नहीं है कि मैं केवल वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको ये स्क्रिप्ट एक फ़ोटो खींच के मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ताकि अगर आप भी न्यूज़ की वीडियो बनाते हैं तो आपको भी आइडिया मिल सके कि कैसे हम अपनी स्क्रिप्ट तैयार करेंगे और न्यूज़ हमें कैसे मिलती है। आज के इस वीडियो में मैंने आपको अपना सेटअप दिखा दिया कि मैं कौन सा ट्राइपॉड इस्तेमाल करता हूँ और कितना ट्राइपॉड इस्तेमाल करता हूँ। मेरा सेटअप बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला नहीं है, बहुत ही सिंपल है। मुझे मतलब रहता है मेरी वीडियो को शूट होने से, मेरी वीडियो बस बन जानी चाहिए। अभी ये जो शैडो वेडो आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में, जो शैडो आपको दिख रहा है, तो ये शैडो रिमूव करने के लिए भी मैं बहुत ही अच्छी लाइट यूज करने वाला हूँ। और इस जो चैनल आप देख रहे हैं, इस पर $100 हो चुका है, तो मेरी जो पेमेंट आएगी तो उसे मैं एक लाइट ज़रूर बाई करूँगा, ताकि मेरी जो वीडियो है उसकी क्वालिटी बढ़ जाए। लाइट लगाने से आपकी वीडियो की क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ जाती है, ठीक है। तो अगर आप भी अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं, देखिए मोबाइल फ़ोन में कैमरा चाहे जैसा भी हो, अगर आपकी लाइट जो सिस्टम है वो काफ़ी अच्छी है, तो आपकी वीडियो की क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन तरीके से आ जाती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा सेटअप कैसा लगा, और आपका अपना सेटअप कैसा है, वो नीचे कॉमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करिएगा। मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी। और हाँ, एक बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ वीडियो जब भी आती है तो उसको देखा करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपने ऑन किया नहीं तो देखेंगे कहाँ से। नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो जब भी आए तो उसको आप देख सकें। और आप तालिबान पे अगली वीडियो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट करके बताना, बिल्कुल मत भूलिएगा। एक बात और, मुझे लगता है कि कुछ लोग हैं जो वीडियो को पूरा देखते नहीं है, वीडियो देखते ही नहीं है, जैसे ही नोटिफिकेशन जाता है वो नीचे कमेंट कर देते हैं, भाई आई एम फर्स्ट व्यूअर। मैं यार मैं ये चाहता हूँ कि आप वीडियोज़ को देखो, आप वीडियोस को वॉच करो, अगर आपको उससे कुछ नॉलेज मिलती है तो ठीक, नहीं मिलती है तो आप नीचे सजेस्ट कर सकते हो कि आपकी वीडियो में ये गलती है या आप इस तरह के वीडियो अपलोड करो ताकि मैं अपने चैनल को और अपने वीडियोस को और अपने आप को सुधार सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और इस पर्यावरण का। जय हिंद, जय बिहार।